चौथी फेल, एक शख्स राजस्थान के एक छोटे से गांव से इंदौर आता है और महज 7 रुपए पता चलता है कि लेके वो शख्स इंदौर आया था और वही शख्स इंदौर में करोड़पति बन जाता है। कहानी एक ऐसे शख्स की जो इन दोनों चर्चा में है पूरे मध्य प्रदेश में। मैं बात कर रहा हूं गुलाब सिंह की। अब आप कहेंगे गुलाब सिंह कौन? गुलाब सिंह वही कर्णावत ग्रुप के मालिक जो कर्णावत पान वाले के नाम से पूरे इंदौर में मशहूर है और इंदौर में क्या मध्य प्रदेश के कई जगह ये पान का ब्रांड बन चुका है कर्णावत पान और इसकी फ्रेंचाइजी भी है। लेकिन कैसे इसके मालिक यानी गुलाब सिंह इंदौर में एक छोटी सी पान की दुकान चलाते चलाते एक बड़े कारोबार के मालिक बन गए, रेस्टोरेंट्स भी हैं। दरअसल ये सब कुछ चर्चा में आया हाल में एक छापेमार कार्रवाई हुई जीएसटी की तरफ से कर्णावत पर। कर्णावत समूह जो है ये यहाँ पान की दुकान से लेकर रेस्टोरेंट सब जगह छापे मारे गए और कार्रवाई जीएसटी ने की और शिकायत मिली थी कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जो बिक्री हो रही है साथ ही साथ टैक्स जमा नहीं किया गया है। इसको लेकर एक बड़ी छापेमारी हुई और करोड़ों के कारोबार का पता चला। लेकिन जो कहानी बता रहा हूँ, कहानी इसलिए कि आखिर कौन गुलाब सिंह जिन्होंने चौथी फेल होने के बाद इंदौर आना ठीक समझा और एक छोटी सी पान की दुकान से इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। किस्सा बिल्कुल फिल्मी है। बताया जाता है कि उन्होंने 1982 में इंदौर में तुकोगंज में एक छोटी सी पान की दुकान खोली थी और वो दुकान चल निकली और ऐसी चल निकली कि उनको लगा कि अब यही चीज़ जो है कारोबार बन जाएगी। हालांकि एक दौर आया कहा गया वो दुकान बंद भी हो गई। फिर उन्होंने देखा कि कैसे कम पैसे लगाकर इसी पान की दुकान को अगर अलग अलग जगह खोला जाए तो शायद किस्मत चमक जाए, और किस्मत चमक गई क्योंकि जब तक कर्णावत पान वाले के नाम से वो मशहूर हो चुके थे। फिर रेस्टोरेंट के क्षेत्र में हाथ दौड़ाया, आजमाया तो कर्णावत के रेस्टोरेंट चल निकले और यही कमाई का आंकड़ा करोड़ों में पहुंचता गया और आलम ये कि वो इंदौर के करोड़पतियों में शुमार हो गए, उनका नाम इंदौर के बड़े उद्योगपतियों में आ गया। लेकिन एक किस्सा और है, कहानी फिल्मी है। कहा जाता है बड़ा स्ट्रगल किया क्योंकि शुरुआत उन्होंने इंदौर में किसी दूसरे पान वाले की दुकान में नौकरी करके की थी, वो दुकान छूटी अपनी दुकान चलाई। लेकिन एक बिल्कुल फिल्मी किस्सा, आपने फिल्म में सीन देखा होगा, कोई एक व्यक्ति कहता है कि मजदूरी जहां कर रहा हूं उसी बिल्डिंग को खरीदूंगा, तो एक किस्सा पता चलता है कि इंदौर में जिस बिल्डिंग में चौकीदारी करते थे गुलाब सिंह, बाद में उसी बिल्डिंग को उन्होंने खरीद लिया। सोचिए बिल्कुल कहानी फिल्मी है। लेकिन चूंकि गुलाब सिंह की कहानी है क्या और वो चर्चा में क्या क्यों आए, इसलिए मैंने आपको पूरा किस्सा बताया कि कैसे चौथी फेल होने के बाद इंदौर आए थे राजस्थान से और फिर इसी इंदौर शहर के करोड़पतियों में शुमार हो गए। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र शर्मा ने, आप देखते रहें MP तक।